पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमने पहले की तरफ पारिस्थितिक तंत्र वगैरह देख लिए थे, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार वगैरह हम देख लिए थे। तो जो आज का मेरा पर्यावरण का वीडियो होगा वो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल पर आधारित होगा। इन्हें हम खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल के बारे में देखेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या है इसके बारे में देखेंगे, कैसे पोषण चक्र कार्य करते हैं, मतलब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये सब इन सब के बारे में देखेंगे हम। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में, फिर खाद्य जाल पे भी आएंगे, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट के वीडियो जो भी आ रहे हैं इनका कंटिन्यू नोट्स बनाते हुए चलिए, मैं इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक रहेंगे सबको कवर करता हुआ चलूँगा। थोड़ा सा इस समय अगर हम देखें थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए वीडियो की क्वांटिटी उतनी अच्छी, मतलब कि क्वांटिटी की बात करेंगे तो मात्रा मतलब उतनी नहीं आ पा रही है, लेकिन हम जल्दी अधिकतर मतलब डेली एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल होता क्या है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, सबसे पहले याद रखिए खाद्य श्रृंखला मतलब एक श्रेणी के नुमा चलता रहे। देखिए डिफिनेशन, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि डिफिनेशन मतलब कि बोर्ड पर लिख दिया कीजिए, तो इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिख भी दिया, फिर दूसरी भाषा में अपनी भाषा में इसको समझाऊंगा। देखिए पोषण स्तर पर पारितंत्र में जीवों के मध्य संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसमें भोजन एवं भक्षक के रूप में होता है, मतलब कि जो भी खाद्य श्रृंखला होती है भोजन एवं भक्षक के रूप में होती है, मतलब प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के मध्य जो संबंध है जो दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर का मतलब क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए घास है तो घास को कौन खाएगा, तो घास को मान लीजिए हिरण खा रहा है, और हिरण को मान लीजिए लोमड़ी खा रही है, और लोमड़ी को